हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो होने वाली है स्पीडोमीटर वायर मैं चेंज कर रहा हूँ उसके ऊपर। और स्पीडोमीटर वायर जब भी ख़राब होती है तो स्पीड वाली सुई, नीडल और ओडोमीटर दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपको ये लगे कि स्पीडोमीटर की वायर ख़राब है तो सबसे पहले नीचे चेक करना है कहीं वायर तो ख़राब नहीं है। हो सकता है कई बार मीटर में दिक्कत होती है जिसे खोलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो सबसे पहले प्रेफर करें नीचे वायर को खोलना है। नीचे आगे वाले व्हील में लगा होता है, जिस भी टाइप के लगे स्क्रू को ओपन करके उसे चेक करना है। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि अंदर इसके एक छोटी सी वायर होती है जो आगे व्हील में एक खांचा बना होता है जिसमें वो जाके लगती है। तो पहले मैं वायर देख रहा हूँ सही है कि नहीं। वैसे जब मैंने पिछली वीडियो में अपना टायर चेंज करा था तो मैंने नीडल चेक कर ली थी, मेरी वायर ख़राब थी, इसलिए मैं डायरेक्ट वायर चेंज कर रहा हूँ। और इसमें एक छोटी सी वायर होती है आगे, अभी आपको इसमें वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने टूटी हुई थी बीच में, वो निकाल के फेंक दी थी। और मोस्टली जब भी स्पीडोमीटर की वायर ख़राब होती है तो वो नीडल ही टूटी हुई होती है क्योंकि वो इस आउटर के बीच में घूमती है। वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ तो वो इसमें नहीं मिलेगी। तो अभी मैं डायरेक्ट वाइज़र खोल के नई वायर लगाने वाला हूँ। वैसे मीटर खोलने का डायरेक्ट एक नट नीचे होता है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ तक चाबी पाना कुछ नहीं जाएगा। वो जो सामने जो एकदम नट है वो इसे खोला, अगर मैं इसे खोलूँ एक लेफ़्ट में तो सीधा पूरा मीटर ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसे खोलना इतना आसान नहीं है। तो अभी मैं सिंपली ये वाला नट स्क्रू खोलूँगा और लेफ़्ट में दो ऊपर के और दो नीचे, एक 8 नंबर का नट है जिसे मैं गोटी से खोलने वाला हूँ, एक राइट साइड में दूसरे लेफ़्ट में। तो सिर्फ मुझे 4 नट खोलने हैं, उसके बाद वाइज़र आ जाएगा हाथ में, उसके बाद मुझे वायर चेंज करनी है। अभी सिंपली पार्किंग बल्ब जो ऊपर छोटे वाली इसकी आईज हैं उसके LED लाइट्स निकालनी और सीधा मेन हेडलैम्प का सॉकेट निकालना है ताकि ये नीचे लटकता ना रहे, इसको हटा के साइड में रख दो, अगर वरना वायर खींचेगी सॉकेट निकल सकता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी स्पीडोमीटर की वायर चेंज कर रहा हूँ, अगर किसी को ये देखना है कि थ्रोटल वायर यानी कि रेस वायर कैसे चेंज करनी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये HSC करके कोई जेनेरिक ब्रांड है, मुझे जेन्युइन पार्ट्स मिल नहीं रहे क्योंकि एक होता है कि जब भी अगर आपकी कोई व्हीकल है, कोई भी अगर पुराना हो गया 7-8-9 साल के बाद, उसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी काफ़ी मुश्किल से मिली। अभी वायर को लगाने का एक तरीका है, सबसे पहले नीचे व्हील में लगाना है ना कि ऊपर, और वायर के आगे एक छोटा सा खांचा बना हुआ है, इसे व्हील में अंदर डाल के साइड में,
और थोड़ा सा घुमाना, थोड़ा सा घूम के वो रुक जाएगा, और जैसे रुके आउटर को आगे लाके स्क्रू लगा के टाइट करना है। अभी वायर को सिंपली इस हुक में से निकाल के, जहाँ भी इसको होल्ड करने के लिए लगाए हुए उनमें से निकाल के ऊपर मीटर में टाइट करना है। और साइड में आपको दिख रहे होंगे मैंने मिंडा के डबल हॉर्न लगा रखे हैं रिले के साथ। अगर आपको ये देखना है कैसी आवाज़ है, कैसा इसकी बॉक्सिंग होती है, मिंडा के हॉर्न कैसे लगाने हैं बुलेट वाली इस बाइक में, ऊपर आई बटन में जाके चेक इट आउट। और ऊपर मीटर में वायर को सीधा अंदर इंसर्ट करना, अंदर डालना है इसमें जो मीटर में निकला हुआ है नीचे, और कैप को थोड़ा टाइट करना है। और कैप थोड़ा लूज़ रहेगी, एकदम टाइट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एकदम टाइट ये हो गया तो वायर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें प्ले रहेगा कैप में, आप वायर को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो प्ले रहेगा थोड़ा। तो चलिए अभी असेंबल करने से पहले मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ कि नीडल उठ रही है कि नहीं टायर घूमने पे। चलो नीडल काम तो कर रही है, मतलब गुड टू गो। अभी वायर वाइज़र को असेंबल करते हैं। चलिए अभी असेंबलिंग का टाइम है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। आप पहले भी देख चुके मेरे रीसेंट वीडियो में, मेन सॉकेट को वापस लगाना है, पार्किंग बल्ब्स को अंदर पुश करके फिट करना है, और चारों नट टाइट करने हैं। ध्यान रहे नीचे वाले पहले टाइट करें, उनकी अलाइनमेंट पहले ज़रूरी है, ऊपर वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे वाले दोनों टाइट करने जो मैंने गोटी से खोले थे, उसके बाद ऊपर स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने हैं। तो अभी जैसे मैं ऊपर ये जो लेफ़्ट और राइट वाला स्क्रू टाइट करूँगा, तो वायर चेंज करने का पूरा प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है। आपने वीडियो में देखा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, 8-10 नंबर के चाबी पाने और एक पेचकस। और अगर आपको डिस्कवर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं, मिंडा के हॉर्न कैसे लगाने हैं, थ्रोटल वायर कैसे चेंज करनी है, या फिर कार्बोरेटर क्लीनिंग, ऑटो चोक मैनुअल चोक में कैसे बदलना है, रिलेटेड वीडियोस टू डिस्कवर 150, पल्सर 150 और ऑल्टो K10, अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं देन गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।